नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस। आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा इसी तरीके से आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप होली खेल चुके हैं और अगर मान लीजिए आपने गुलाल से होली खेला है और गुलाल का अगर आपको रंग निकालना है, तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक मेथड बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके डिटेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और ये 100% नेचुरल है, आराम से आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे एक पेस्ट बनाना है, ये बहुत सिंपल है। 2 चम्मच आपको बेसन लेना है, 1 चम्मच आपको दही लेना है, 1 पिंच भर आपको जो है हल्दी लेनी है और रोज़ वाटर से आपको जो है ऐसा एक पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट बना करके जो है दोस्तों, आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाएं। इससे आपका कलर भी छूट जाएगा और मान लीजिए गुलाल वगैरह और हार्मफुल केमिकल की वजह से अगर आपकी स्किन डैमेज हुई है तो स्किन भी रिपेयर हो जाएगी। और ये जो है दोस्तों, डिटैनिंग के लिए भी बहुत है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। तो हफ्ते में आप ये जो है, आप चाहे तो दोस्तों रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें हल्दी है और जो बेसन है ये जो है क्लिंजर का काम करते हैं। ये आपकी जो है इवन टोन स्किन बनाएगा, के चेहरे पे जो है एक अच्छा ब्राइटनेस आ जाएगा। इस पे हल्दी तो रिपेयरिंग का काम करेगी ही दोस्तों, साथ ही साथ में इसमें गुलाब जल है जो आपके स्किन को भी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको जब आप ये पेस्ट लगाएंगे आपको बहुत रिलैक्स और आपको एक बहुत अच्छा ठंडा सा एहसास होगा और इसके जो है रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। घर का बना हुआ है दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करिए, गर्मी में आप हमेशा इसे लगाइए, रोज़ चाहे तो रोज़ लगाइए, नहीं तो आप जो है हफ्ते में 2 बार लगाइए, आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगी। और ये डिटैनिंग के लिए है, अगर आपका सनबर्न हुआ है तो आप इसे 101% यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे इसे हाथ में लगाइए, चेहरे पर लगाइए, नेक पर लगाइए, ये हर तरीके की गंदगी को आपकी निकाल देगा और आपकी जो है इवन टोन स्किन रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।